Good afternoon, everyone. Today I will discuss about topic sentence in construction of a paragraph. So topic sentence, it means gives the main idea of a paragraph. Main idea of a paragraph. स्टूडेंट जो भी आपका पैराग्राफ होता है तो उसका जो मेन कंटेंट है उसको यह एक्सप्रेस करने का काम करता है एंड दैट इज प्रॉपरली नोन एज टॉपिक सेंटेंस. इट इज ऑल्सो known as, it is also known as a hook sentence. Hook sentence. So students, यह hook sentence के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे hook means होता है फंसाना, लेकिन यहाँ पर hook का मतलब होता है किसी के ध्यान को खींचना, जो रीडर्स होता है उनके ध्यान को खींचता है. तो इट इज यूज यानी हुक सेंटेंसेस आर यूज टू ड्रो द रीडर टू द पैराग्राफ. टू द पैराग्राफ यानी हुक सेंटेंसेस का अगर प्रयोग करते हैं, उसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी. तो ये जो हुक सेंटेंस है यह रीडर का जो अटेंशन है उसको ध्यान को खींचने का काम करता है, उसमें इसका अहम भूमिका है. सो topic sentence in which makes the statement bright and bold, bright and bold. Students, hook sentences make the statement. Hook sentences जो है वो स्टेटमेंट को क्या बनाता है, तो ब्राइट बनाता है, बहुत ज्यादा शाइनिंग एंड बोल्ड, काफी सशक्त बनाता है. स्टेटमेंट आपका बहुत इफेक्टिव और मजबूत होता है. तो आप कह सकते हैं कि a hook is a sentence. यह तरह का सेंटेंस ही होता है. अ हुक इज अ सेंटेंस या फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, या फिर इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकता है, उसका सेंटेंसेस का समूह हो सकता है. दैट ड्रो पीपल into the paragraph. Into the paragraph. यानी जो hook sentence है एक तरह का sentence ही होता है, या फिर कह सकते हैं शब्दों का समूह हो सकता है जो
लोगों का मतलब क्या हो गया, हम लोग हैं, वी आर द रीडर। तो पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ का जो कंटेंट है उसको, उसकी ओर या हमें ध्यान आकर्षित करवाने का काम करता है, हमारे अटेंशन को ड्रॉ करने का काम करता है, हमारे ध्यान को खींचने का काम करता है। तो ये हुक जो सेंटेंसेज है उसके सब फंक्शन मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू राइट ए टॉपिक सेंटेंस। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। इट मीन्स राइटिंग ए टॉपिक सेंटेंस। एक टॉपिक सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको समराइज करना है, समराइज द मेन आइडिया। जो भी पैराग्राफ का टाइटल है उसके रिगार्डिंग जो थीम है उसको आपको क्या करना है, समराइज करना है, सारांश में लिखना है उसके मेन आइडिया को। इस चीज का तो ऑफ द पैराग्राफ। समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया उसको सबसे पहले समराइज कीजिए और ये आपको क्लियर करना है कि शो द रीडर, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि रीडर को शो करते हुए, शो द रीडर, शो द रीडर व्हाट विल बी अबाउट, यानी रीडर को अभी शो करना है इसके बारे में आगे क्या होगा, पैराग्राफ के बारे में। तो एक टॉपिक सेंटेंस आप कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, एक टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को हम लोग फर्स्ट सेंटेंस के रूप में भी देखते हैं, इज द टॉपिक सेंटेंस, इज द फर्स्ट सेंटेंस सेंटेंस ऑफ ए बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ। तो जो भी आपका पैराग्राफ होता है उसके फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग टॉपिक सेंटेंस के रूप में जानते हैं। हुक के बारे में जहां तक सवाल है, ए हुक इज डिजाइन, ए हुक इज डिजाइन टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। और मैंने आपको बताया था कि हुक का जो प्रयोग है उसको डिजाइन ही किया जाता है इस तरह से कि रीडर्स, यानी जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उनके ध्यान को हम पूरी तरह से खींचने में कामयाब हो। तो इन शॉर्ट शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि हाउ टू राइट ए गुड पैराग्राफ। यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू राइट, हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ को हम कैसे क्रिएट करें, कैसे कंपोज करें, कैसे बनाए, कैसे लिखें। तो सबसे पहले इसके लिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन अ प्रॉपर मैनर। तो आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस, और उसकी शुरुआत आप टॉपिक सेंटेंस से भी कर सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस से भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे शुरुआत करना है। इंट्रोडक्शन में यहां पर वन सेंटेंस, वन सेंटेंस टू आंसर डायरेक्टली द क्वेश्चन। डायरेक्टली द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां पर इंट्रोडक्शन में एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो जवाब दे सके डायरेक्टली जो क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में ही दे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। और नंबर टू, यहां पर आप देख सकते हो कि टू या मोर देन टू मीन्स फोर जो सेंटेंसेस होना चाहिए, सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन दो से चार सेंटेंसेस जो होना चाहिए, एक्सप्लेन रीजन क्या कारण है उसके, रीजन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए एंड बताना चाहिए, टेल मोर एंड प्रूव योर आंसर, प्रूव योर आंसर। तो इसमें बताया गया इंट्रोडक्शन में कि वन सेंटेंस आपको डायरेक्टली ऐसा होना चाहिए जो कि क्वेश्चन का जवाब दे सके। सेकेंड जो स्टेप यहां दिया गया है कि यू हैव टू ऐड टू और फोर सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन रीजंस, कारणों के बारे में बताना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए, और फाइनली प्रूव करना चाहिए जो भी आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप प्रूव करते जाइए, जस्टिफाई भी करते जाइए, तभी आपका पैराग्राफ वेल सुटेड होगा, अदरवाइज दैट विल बी क्वाइट मीनिंगलेस एंड हाउटलेस। एंड फाइनली जो थर्ड स्टेज है जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, यहां पर थर्ड में आप कंक्लूजन दे सकते हैं। कंक्लूजन आखिर इंट्रोडक्शन दे दिया, सेंट्रल थीम के बारे में आप बता दिया, तो फाइनली यू हैव टू कंक्लूड, तो आपको यहां कंक्लूजन देना चाहिए। तो हियर द कंक्लूडिंग sentences, concluding sentences, the main idea. एक मिनट, concluding sentences, yes.
sentences repeats the main idea. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है वो रिपीट करता है, पुनरावृत्ति करता है जो मेन आइडिया है उसी को पिकअप करना है इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रिपीट जरूर करता है मेन आइडिया को कंक्लूजन में, लेकिन बट यहाँ पर बट का प्रयोग, यहाँ पर बट है लेकिन इन डिफरेंट वर्ड, इन डिफरेंट वर्ड, लेकिन जो शब्दों का जो आपका सिलेक्शन है, जो चुनाव है वो थोड़ा से अलग करना है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इट विल गिव वेरी डल इंप्रेशन, इट गिव्स वेरी पुअर इंप्रेशन, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने शुरू में लिखा इनफैक्ट, आप यहां से स्टार्टिंग किया इन द ओपनिंग लाइन, ओपनिंग लाइन में आपने क्या लिखा इनफैक्ट यानी सच में, फिर आप कंक्लूजन में दे रहे हैं कि सच में अगर देखा जाए तो वहां इस वर्ड को आपको अवॉइड करना है, यानी लिखने से बचना है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है। इसके जगह पर आप डाल सकते हैं रियली डाल सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है, या फिर आप डाल सकते हैं एज ए मैटर होता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है सच में, सच में, या फिर आप लिख सकते हैं इंडीड, इंडीड में लिख सकते हैं, इसका मतलब वही होता है सच में। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है चेंजिंग इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी परिवर्तन ही हर चीज को एक्टिव बनाए रखता है, क्रियाशील बनाए रखता है, सक्रिय बनाए रखता है। अगर आप एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो यहाँ भी आपका जो कंटेंट होगा वो डेड हो जाएगा, सेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हुक सेंटेंस का क्या एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप रीडर्स को बिल्कुल टैग करके रखिए अपनी ओर, उसका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे उसको बूस्टअप करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करना है, किसी चीज को स्टार्ट करने के पहले, चाहे कोई पैराग्राफ है या फिर कोई भी हाउट हो। जैसे फर्स्ट है Have you ever seen the Taj Mahal? क्या आपने कभी ताज महल देखा है? जा करके फिगर में तो सब लोग देखते हैं। Next, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं कि have you ever विजिटेड द ताजमहल, विजिटेड
ताजमहल। तो इस तरह से आप शुरू करते हैं, या फिर हिट मूवी है यू सीन रिसेंटली, ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हिट मूवी, हिट मूवी Have you seen recently? यानी अभी हाल फिलहाल आप कौन सा पिक्चर देखे हैं? तो इससे क्या हुआ कि जब भी आपको क्वेश्चन किया जाता है, क्लास में भी आप देखते होंगे कि जब भी आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, वो आकर के क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो रीडर्स होंगे वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। सो एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देयर आर फोर की एलिमेंट्स। सबसे पहले देयर आर फोर की एलिमेंट्स चार तरह के एलिमेंट्स हैं। And using them, you can make your paragraph effective, impressive, and attractive. So, इन चारों का इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ को ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा आकर्षक आप बना सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो दैट इज नोन एज यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी मीन्स जो लिटरल मीनिंग होता है एकता, लेकिन यहाँ पर यूनिटी का मतलब बिल्कुल कंबाइन करके रखना है उसी के सेंस में है। जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, जो भी आपका टाइटल है, टाइटल को और सेंट्रल जो आपका थीम है उसको पूरी तरह से आप कंबाइन करके रखो, यूनाइट करके रखो, नहीं तो सेंस जो है वो डिविएट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाइग्रेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा जो उसका मेन जो पॉइंट है और जो मेन टाइटल है उससे। तो आप कह सकते हैं कि यूनिटी इन ए पैराग्राफ paragraph begins with the topic sentence, begins with the topic sentence. तो स्टूडेंट्स यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सबसे पहले चार की एलिमेंट्स हैं, उसमें पहला जो एलिमेंट है यूनिटी। तो यूनिटी जो है, यूनिटी इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में अगर यूनिटी है तो उसको सबसे पहले यूनिटी के रूप में उसको शुरू कीजिए। शुरू करना है आपको टॉपिक सेंटेंसेस के साथ, उसको स्टार्ट करना है, यूनाइट करने के लिए।
The topic sentence is the first sentence of the paragraph. मैंने अभी आपको बताया कि topic sentence जो होता है वो first sentence होता है paragraph का and has a single controlling idea. और यहाँ पर जो एक तरह का single controlling idea को यह approach करता है vision unity. Yes. स्टूडेंट यूनिटी में ही है, राइट है टू राइट और गुड सेंटेंस एक अच्छा सेंटेंस लिखने के लिए यू मस्ट थिंक अबाउट You must think about the theme. देखो स्टूडेंट पैराग्राफ का सबसे पहले जो थीम है उसको पूरी तरह से एकदम दिमाग में रख करके चलो कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम. जब वो आपको क्लियर होगा तभी आप उसको अच्छी तरह से उसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं और यहाँ पर लिख करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी क्लियर टू राइट ए गुड सेंटेंस यू मस्ट थिंक अबाउट द थीम. तो थीम के बारे में जरूर आपको क्लियर होना है. All the necessary, all the necessary points to make the paragraph effective. So students, जो भी necessary details है, necessary points है, उसको आप वहां पर रखिए अपने paragraph के अंदर ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल इफेक्टिव हो सके, असरदार हो सके. तो ये आपका यूनिटी हो गया, दैट इज कॉल्ड यूनिटी. सेकेंड में जो सेकेंड इसका जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर. इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं. ऑर्डर बाय ऑर्डर वी मीन द वे वी ऑर्गेनाइज आवर सपोर्टिंग सेंटेंसेस. यानी यहाँ ऑर्डर का मतलब है कि किस तरह से आप सपोर्टिंग सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर. तो एक ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, मेथोडिकली होना चाहिए, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिए. नहीं तो जो प्रभाव आप दिखाना चाहते हैं, जो प्रभाव आप पैराग्राफ में छोड़ना चाहते हैं वो नहीं दिख पाएगा. तो ऐसे में यू मस्ट ऑर्गेनाइज
यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस supporting sentences in a proper order. Proper order. So students, यहाँ पर देख सकते हैं कि you must organize जो भी आपके supporting sentences है वो पूरी तरह से organize होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर किस तरह से, तो इन्हें प्रॉपर ऑर्डर क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि जो सेंस है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो सके, अच्छी तरह से डेवलप हो सके, किसके लिए, रीडर्स के लिए। And next, it helps it helps the reader to get the exact meaning, and prevents confusion. So students, here as you can see in order, order जो है वो क्या करता है, यह मदद करता है, assist करता है किसको, reader को, क्या करने में, जो उसका exact जो sense है paragraph का, sorry theme का, उसको clear करने में काफी मदद करता है और उसके जोड़ में, और किसी तरह का वाद विवाद और किसी तरह का मन में संशय, शंका, confusion, doubt, इन सारे चीजों को रोकने का काम करता है। तो इन ऑर्डर अगर आप ऑर्डर में लिखेंगे तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको, सीधा लाभ आपके आपको मिलेगा। एंड द थर्ड इज the third element है, that is properly known as coherence. coherence means होता है अनुकूल, यानी आप इसको English to English बोल सकते हैं, well suited, अनुकूल इसको आप बोल सकते हैं, well suited, या फिर जस्टिफाइड भी बोल सकते हैं, वेल जस्टिफाइड। दोनों आप बोल सकते हैं। तो ये होना चाहिए आपका पैराग्राफ में जो थीम है वो टाइटल के अनुरूप क्या होना चाहिए, वेल सूटेड होना चाहिए, पूरी तरह से सूट करना चाहिए, एंड वेल जस्टिफाइड पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से न्याय किया हुआ हो वहां पर, ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और है और थीम जो है वो कुछ और अलग डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
इसके लिए तो टू द थीम, टू द थीम इन पैराग्राफ, इन अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर जो भी थीम है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वेल जस्टिफाइड होना चाहिए, वेल सुटेड होना चाहिए, वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए एंड वेल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट the best way to get coherence is to use transition models. TRANSITION, transition works. तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंस को अगर अप्लाई करना चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर तो सबसे जो अच्छा तरीका है कि आप ट्रांजिशन वर्ड को इंसर्ट करें, इसका इस्तेमाल करें। एंड ट्रांजिशन का वर्ड का मतलब ये क्या करता है कि ये दिस वर्ड शो सीक्वेंस, यह सीक्वेंस को शो करता है आपके पैराग्राफ में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं, या फिर जो ओपनिंग है वो कंक्लूडिंग जो आप कर रहे हैं, कंक्लूडिंग जो फाइनल पार्ट होता है वो कंक्लूडिंग जो लाइंस हैं उससे सूट कर रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को जो रिलेशन होता है उसको मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका है। किसका? ट्रांजिशन वर्ड्स का। क्या होते हैं मैं उसको बाद में आपको बता दूंगा। तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अब राइट नाउ ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन